हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ही होंगे। और मैं इस वक्त महुआ के, ये देखो, ये है महुआ का पेड़ है, काफ़ी अच्छा बड़ा सा पेड़ है, विशाल का, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। और महुआ का जो पेड़ है, इसका एक बहुत महत्व होता है। इसका जो ये फल है मेरे पास, इसका फल नहीं, सॉरी, माफ़ करना, मैं भी बाहर से यहाँ पर आया हूँ ना, तो मुझे नहीं पता, ये फल नहीं, फूल है, फूल। ये जो है महुआ का फूल है, गलती से फल निकल गया। एक्चुअली में क्या है कि फल की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है ना, तो इसलिए फल निकल गया मुझसे। और तो इस फूल का जो है बहुत ही महत्व है, इसका महुआ का जो है, इसको लेकर के जाते हैं, बीनते हैं, और उसके बाद इसको गाय को भी खिलाया जाता है। इस तरह का ये जो है ना, ये इसको धूप में भी रखते हैं, और एक तो इसको गाय खाती है, खुशबू इसकी बहुत बढ़िया होती है, ठीक लगता है, और इसकी जो है गाय इसको खाती है। और उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है, इसको चुग करके लेके जाते हैं, इसकी कीमत अच्छी खासी होती है। और उसके बाद इसको गर्म करके, और इसका जो भाप होता है उसको मदिरा पान भी इसका बनाया जाता है। हालांकि हम लोग उसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, और इसको कम से कम मतलब होना चाहिए। वैसे जो अच्छी चीज़ है उसके लिए मैं बता दूं आपको कि जो है गाय खाती है इसको, गाय को बड़ा अच्छा लगता है, गौ माता को। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेरे फ्रेंड हैं DSP, उन्होंने अभी वो MP में उनकी पोस्टिंग है, तो वो ये अभी उनकी वीडियो में भी देखा मैंने, और वो बता रहे थे कि इस महुआ का उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, कि वो जब गरीब थे, गरीब परिवार से थे, तो उनकी जो माँ हैं वो महुआ बीन करके और बेच करके उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी जो किताबों का इंतज़ाम इसी महुआ से हुआ है। इसलिए मुझे याद आया और मुझे महुआ का ये दिखा, बहुत बढ़िया वृक्ष, तो मैंने आपको ये शेयर किया कि महुआ का किसी की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है। महुआ से ही, इसी से पढ़ाई करके वो आज DSP बन गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में और हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने का। ओके, बाय, थैंक यू सभी का।